एक ग्राउंड बना रहे। आज शिमला शहर की जनता ने तय कर दिया कि इस जो यहाँ पर जो है आया है, और मैं तमाम प्रदेशवासियों से हम जो है यहाँ पे झांकी निकाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख की, जो रिप्रेजेंट करती है एकता को। आप देखेंगे हमारा जो हिमाचल है वो अमन और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे जो हिंसा के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसको देख के जो दुख की एक भावना सामने आती है कि किस तरह से जो है शांति का जो ये है वो सांप्रदायिकता का जो अड्डा बन के रह गया है। तो इस झांकी के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम जो है शांति चाहते हैं और इन सब सांप्रदायिक दंगों से दूर रहना चाहते हैं। जनता के लिए यही मैसेज है कि हमने जो ये रैली निकाली है इसके माध्यम से हम जो है शांति का जो है एक मैसेज जो है सबको देना चाहते हैं। हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले एक हम लोग मानव होने के नाते, एक इंसानियत के नाते यहाँ पे आए हैं। देश को संदेश देना चाहता है हिमाचल कि हिमाचल सबसे खूबसूरत प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जो है शिक्षित होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत हैं, और वो हमेशा अमन शांति के साथ रहे, अमन शांति के साथ ही रहना चाहते हैं। और कोई भी इस देश में अगर मान लीजिए इस आधार पर बंटवारा करना चाहता है, जिसका जो एक बार हो चुका है कि हम जाति या धर्म के नाम पर इस देश में किसी भी इस तरह की घटनाओं को हम लोग अंजाम दें जिससे देश का माहौल खराब होता है, तो ये संदेश पूरे हिमाचल के लिए और पूरे देश के लिए है कि हिमाचल देवभूमि है, सबका स्वागत है। जो भी उपद्रवी लोग होंगे प्रशासन उस पर अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो भी हम सड़कों पे उतरेंगे। ऐसा मुझे पता नहीं है, यहाँ तो शिमला में अगर आप रहें, आप रहती नहीं है, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने विरोध किया, सब इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये इसको जो है एक ग्राउंड बना रहे। आज शिमला शहर की जनता ने तय कर दिया कि इस जो यहाँ पर जो है आया है, और मैं तमाम प्रदेशवासियों से हम जो है यहाँ पे झांकी निकाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख की, जो रिप्रेजेंट करती है एकता को। आप देखेंगे हमारा जो हिमाचल है वो अमन और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे जो हिंसा के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसको देख के जो है दुख की एक भावना सामने आती है कि किस तरह से जो है शांति का जो ये है वो सांप्रदायिकता का जो अड्डा बन के रह गया है। तो इस झांकी के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम जो है शांति चाहते हैं और इन सब सांप्रदायिक दंगों से दूर रहना चाहते हैं। जनता के लिए यही मैसेज है कि हमने जो ये रैली निकाली है इसके माध्यम से हम जो है शांति का जो है एक मैसेज जो है सबको देना चाहते हैं। हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले एक हम लोग मानव होने के नाते, एक इंसानियत के नाते यहाँ पे आए हैं। देश को संदेश देना चाहता है हिमाचल कि हिमाचल सबसे खूबसूरत प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जो है शिक्षित होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत हैं, और वो हमेशा अमन शांति के साथ रहे, अमन शांति के साथ ही रहना चाहते हैं। और कोई भी इस देश में अगर मान लीजिए इस आधार पर बंटवारा करना चाहता है, जिसका जो एक बार हो चुका है कि हम जाति या धर्म के नाम पर इस देश में किसी भी इस तरह की घटनाओं को हम लोग अंजाम दें जिससे देश का माहौल खराब होता है, तो ये संदेश पूरे हिमाचल के लिए और पूरे देश के लिए है कि हिमाचल देवभूमि है, सबका स्वागत है। जो भी उपद्रवी लोग होंगे प्रशासन उस पर अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो भी हम सड़कों पे उतरेंगे।